सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जैसे कि आप लोग ने देखा होगा मेरे थंबनेल पर लिखा हुआ था कि एमएक प्लेयर में वीडियो को कैसे छुपाए, यानी कि हाइड कैसे करें। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में यही मैं आप लोगों को पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करके आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं जो आप अपने पर्सनल वीडियो को आप कैसे हाइड करके रखिएगा, यानी कि आपके सिवा वो वीडियो को कोई दूसरा नहीं देख सकता है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करके आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बता देते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए, तो फ्रेंड्स मैं हूं दिलीप, तो आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल दिलीप यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का टेक्निकल दिलीप यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए मैं वीडियो को स्टेप बाय स्टेप करके आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बता देता हूँ। होगा उसके लिए आपको सिंपली अपना एमएक प्लेयर को ओपन करना होगा। तो चलिए हम अपना एमएक प्लेयर को ओपन कर लेता हूं और उसके बाद आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बता देता हूं जो उसके बाद आप क्या कीजिएगा। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहां पे मेरा एमएक प्लेयर ओपन हो चुका है, और उसके बाद यहां से आपको जो भी अपना फोल्डर यानी कि फाइल को हाइड करना होगा वो सिंपली यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर मेरा यहाँ पर एक फाइल है रिकॉर्डिंग का, तो चलिए मैं ये रिकॉर्डिंग फाइल को हाइड करना चाहता हूँ। तो ये रिकॉर्डिंग को हाइड करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर ये फाइल को सेलेक्ट करना होगा, और फाइल को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जो थ्री लाइन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो आपको यहाँ पे थ्री लाइन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आ रहा है हाइड का ऑप्शन, तो आपको यहाँ पे हाइड पर क्लिक कर देना होगा। हाइड पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ओके का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो आपको यहाँ पे ओके पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आप यहाँ पर ढूंढ लीजिएगा, आपको कहीं पर नहीं मिलेगा रिकॉर्डिंग के नाम से वो फाइल। तो चलिए, और उसके बाद आप ये फाइल को लाना चाहते हैं यानी कि फिर से देखना चाहते हैं तो वो आप फाइल को कैसे लाइएगा, तो चलिए वो भी कंप्लीट प्रोसेस आपको मैं बता देता हूँ जो आप वो फाइल को कैसे लाइएगा। वो फाइल को लाने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे थ्री लाइन का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर थ्री लाइन पर क्लिक करना होगा। थ्री लाइन पर क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा आपको ऊपर स्क्रॉल करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है कंट्रोल प्लेयर सेटिंग, तो आपको यहाँ पर कंट्रोल प्लेयर सेटिंग पर क्लिक करना होगा। कंट्रोल प्लेयर सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको सामने में यहाँ पे एक नया ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा लिस्ट से, तो आपको यहाँ पे लिस्ट पर क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे लिस्ट पर क्लिक कर देता हूँ। लिस्ट पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा इसको ऊपर स्क्रॉल करना होगा। थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर जो एक फोल्डर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो आपको यहाँ पर फोल्डर पर क्लिक करना होगा। फोल्डर पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है रिकवर का, तो आपको यहाँ पे रिकवर पर क्लिक करना होगा। वहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ओके पर क्लिक कर देना होगा। ओके पर क्लिक कर देने के बाद आपको वहाँ पे जो होगा जो भी फाइल आपको हाइड किए थे वो फाइल यहाँ पे शो होने लगेगा। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो ये मेरा फाइल था ये यानी कि शो होने लगा है। तो चलिए मैं आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस दिखा दिया हूँ। फ्रेंड्स, इस तरह से हम अपने एमएक प्लेयर में वीडियो को छुपा पाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपने पूरा देखे होंगे तो आपको कोई दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में। तो मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।